नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। नगीना में सिंचाई विभाग कार्यालय के परिसर में यूकेलिप्टिस का पुराना सूखा पेड़ टूटकर बिजली के हाई टेंशन तार पर गिरा, बड़ा हादसा होते होते चला। श्योहारा में अधिकारियों के आदेश के बाद उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध चलाया गया अभियान, एक डंपर और एक ट्रक को किया गया सीज। नहटोर में पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ और आबकारी निरीक्षक धामपुर द्वारा माल गृह में रखे कुल 313 आबकारी माल विभिन्न मुकदमों से संबंधित को निकलवाकर फोटो व वीडियोग्राफी कराकर खाली जगह पर गड्ढा खुदवाकर कराया गया नष्ट। शेरकोट पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को नाजायज चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार, प्रभावी कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। अफजलगढ़ के हिदायतपुर में 3 दिनों की वर्षा से गांव में साफ सफाई व्यवस्था की खुली पोल, ग्रामीणों ने पंचायत सचिव प्रशासन को गलत रिपोर्ट भेजे जाने का लगाया आरोप। नहटोर में आम आदमी पार्टी की सभा हुई संपन्न, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में पार्टी को मजबूत करने व पार्टी से लोगों को जुड़ने का किया आह्वान। धामपुर में धर्म सिंह मार्शाल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा कस्बा धामपुर में नवनिर्माण पिंक बूथ के निर्माण कार्य का किया गया निरीक्षण व निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में थाना प्रभारी धामपुर को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। नगीना में गांधी मूर्ति तिराहा स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय के परिसर में खड़ा यूकेलिप्टस का एक पुराना सूखा पेड़ टूटकर बिजली की हाई टेंशन लाइन पर गिरने से एक विद्युत पोल उखड़ गया तथा सड़क पर गिर गया। घटना से एक ओर जहां इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, वहीं आवागमन भी बाधित हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नागरिकों का कहना है कि सिंचाई विभाग को अपने परिसर में खड़े ऐसे सभी पेड़ों को कटवा देना चाहिए जो सूखे और खोखले हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। उधर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर पेड़ को रास्ते से हटवाया, जिससे काफी देर बाद आवागमन सुचारू हो सका। नगीना से कृष्णता शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में थानों के मालों के निस्तारण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना नहटोर क्षेत्राधिकारी धामपुर श्रीमती इंदु सिद्धार्थ, सहायक अभियोजन अधिकारी सुदेश कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार शुक्ल आबकारी निरीक्षक धामपुर, प्रभारी निरीक्षक थाना नहटोर पंकज तोमर, उप निरीक्षक अजेंद्र कुमार, माल निस्तारण टीम प्रभारी व एचएम 213 रामवीर सिंह की उपस्थिति में थाना मालगृह एवं गैराज में रखे कुल 313 आबकारी माल विभिन्न मुकदमों से संबंधित को निकलवाकर फोटो वीडियोग्राफी कराकर थाना परिसर में खाली जगह पर गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। श्योहारा में आलाधिकारियों के आदेश के बाद उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ द्वारा थाना प्रभारी राजीव चौधरी के साथ अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें एक डंपर और एक ट्रक को सीज किया गया। उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार लगातार अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जरूरी कागजात नहीं दिखा पाने के कारण एक ओवरलोडेड रेत बजरी से भरा हुआ एक डंपर वह एक ट्रक को पकड़कर सीज कर दिया गया। साथ ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि यदि क्षेत्र में कोई भी गैरकानूनी कार्य होता है तो तत्काल अवगत कराएं, ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। श्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभियान निरंतर चल रहा है, जिसके क्रम में आज दो ट्रक जिसमें कि एक डंपर में रेत है और दूसरे में आरबीएम है, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान सर के निर्देश पे लगातार चारों ओर जब भी कोई सूचना मिलती है तो
तो हम लोग कार्रवाई करते हैं और खनन की टीम द्वारा इनके पास जो देखे गए तो कोई वैध कागजात नहीं पाए गए और जो अनुमन्य क्षमता है इनकी उससे भी अधिक है, तो यानी कि ओवरलोड भी है और बिना परमिशन के भी है, तो इनके खिलाफ आज ही रिपोर्ट भेजी जा रही है। ये अभियान लगातार चलता जाएगा और आपने देखा होगा कि पिछले महीनों से अब बहुत कम हो गई है इसकी, और कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि पुलिस प्रशासन हर समय रोड पे है और कोई भी सूचना आएगी, आप लोगों से भी अपील है कि अगर कोई सूचना आती है तो तत्काल मुझे सीओ साहब को और जो खनन अधिकारी हैं उनको दें, ताकि जो अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं वो हतोत्साहित हों और सरकारी रूप से परमिशन लेके करें, जिससे कि राजकीय कोष का भी में भी लाभ मिलेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। चांदपुर में गुलाब सिंह महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए श्रद्धा ने प्रथम, श्वेता त्यागी ने द्वितीय व मोहम्मद हमजा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर कुमारी प्रीति को इमर्जिंग स्पीकर का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर अमित सिंह ने तथा संचालन डॉक्टर साजिद अंसारी द्वारा किया गया। चांदपुर से अजय कौशिक की रिपोर्ट। नेहटोर के मोहल्ला मिर्दगान में आम आदमी पार्टी की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल सिंह सहित अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में पार्टी को मजबूत करने व पार्टी से लोगों को जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही उप जिला अध्यक्ष अथर हसन ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा। सभा में नगर के दर्जन भर लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनको जिलाध्यक्ष ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अध्यक्षता वसीम कुरैशी व संचालन अनवर सिद्दीकी द्वारा किया गया। नेटवर्क से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।